वेलकम टू माय चैनल नेचुरल ब्यूटी एंड आई एम योर फ्रेंड रीमा जैन। तो फ्रेंड्स, आज जो वीडियो मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ वो है पैराशूट नहीं, मस्टर्ड ऑयल का हैवी ऑयलिंग वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं मस्टर्ड ऑयल है। तो फ्रेंड्स, ये जो मस्टर्ड ऑयल का बोतल है ये 500 ml का है एंड इसका मैं आज हैवी ऑयलिंग करूंगी। तो फ्रेंड्स, ये मैं नहीं, ये नहीं बोलूंगी कि मैं 50 ml कर रही हूँ या 100 ml कर रही हूँ या 200 ml कर रही हूँ। 200 ml करने जितने मेरे हेयर लॉन्ग नहीं है तो इसलिए मैं ये आपको नहीं बोलूंगी, लेकिन हाँ मैं मस्टर्ड ऑयल का हैवी ऑयलिंग आज करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, मस्टर्ड ऑयल हमारे हेयर के लिए बहुत ही अच्छा होता है, जिनको मस्टर्ड ऑयल सूट करता है उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। अगर किसी को ऐसा प्रॉब्लम है जैसे कि मुझे एक प्रॉब्लम है कि मुझे मस्टर्ड ऑयल की स्मेल से हेडेक होना स्टार्ट हो जाता है, बट फिर भी मैं ये कर रही हूँ, तो फ्रेंड्स अगर आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो आप अवॉइड करिए। लेकिन अगर आपको ऐसी कुछ प्रॉब्लम नहीं है मस्टर्ड ऑयल से, तो आप अपने हेयर में वीक में 1 टाइम्स मस्टर्ड ऑयल की हेयर मसाज कर सकते हैं हैवी ऑयलिंग के साथ में। आप उसको 1 घंटा रखिए एंड देन आप शैम्पू से वॉश कर लीजिए, लेकिन वीक में सिर्फ एक बार। आपको रेगुलर यूज करने की जरूरत नहीं है मस्टर्ड ऑयल को, वीक में एक बार आपको अगर मस्टर्ड ऑयल सूट करता है, आपको कोई एलर्जी या फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है उसकी स्मेल से उससे, तो आप उसको वीक में एक बार यूज कर सकते हो। वो आपके हेयर को ब्लैक रखने में, आपके हेयर को लॉन्ग करने में बहुत ही हेल्प करेगा। फ्रेंड्स, मुझे मस्टर्ड ऑयल से प्रॉब्लम है क्योंकि उसकी स्मेल से मुझे मेरे सर में मेरे को हेडेक होना स्टार्ट हो जाता है, तो इसीलिए मैं रेगुलरली मस्टर्ड ऑयल यूज नहीं करती। मैं आज फर्स्ट टाइम अपने हेयर में मस्टर्ड ऑयल अप्लाई करूंगी। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। बट स्टार्ट करने से पहले आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट यू, अगर आप मेरी वीडियो आज पहली बार देख रहे हो तो प्लीज 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 सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक माई वीडियोज एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर माई वीडियोज। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करती हूँ मैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, ऑयलिंग से पहले हम हमारे हेयर से सारे के सारे टेंगल्स को अच्छे से रिमूव कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं अपने हेयर में हैवी ऑयलिंग करने वाली हूँ, इसलिए पहले ही मैं अपनी टी शर्ट पे एक टॉवल लगा लूंगी ताकि जो टी शर्ट है वो खराब नहीं हो, क्योंकि ऑयल का दाग नहीं निकलता है, ऑयल का एक दाग रह जाता है। तो इसलिए मैं पहले ही अपने टी शर्ट के ऊपर ये टॉवल अप्लाई कर लूंगी ताकि जो ऑयल है वो यहाँ पे रहे, टी शर्ट खराब नहीं हो। तो फ्रेंड्स, अब हम हमारा ऑयलिंग स्टार्ट करेंगे। मैंने मेरे हेयर से टेंगल्स भी रिमूव कर लिए। तो दोस्तों, मैं डायरेक्ट बोतल से अप्लाई करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये देखिए, ये इतना ऑयल है, ये 500 ml का है टोटल ये पूरा बोतल, एंड ये आप देख सकते हैं इतना इसमें ऑयल है। तो फ्रेंड्स, पहले मैं ऑयल को अपने रूट्स में स्प्रेड कर लूंगी, उसके बाद में मैं अपने हेयर में मसाज करूंगी।
को हेडेक होना थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो गया क्योंकि मुझे इसकी स्मेल से प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड्स जो ऑयल है वो मेरे रूट्स में लग चुका है। अब मैं मेरे जो नीचे के हेयर है इसमें भी इस ऑयल को अप्लाई कर लूंगी। तो फ्रेंड्स पूरे हेयर में अप्लाई हो चुका है, तो अब मैं इससे अपने हेयर में मसाज करूंगी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मेरे पूरे जो हेयर है वो पूरे के पूरे मैं पूरा मसाज कर लूंगी अपने हेयर में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे हेयर पूरे के पूरे मस्टर्ड ऑयल से गीले हो चुके हैं अच्छी तरह से। तो फ्रेंड्स मेरे स्कैल्प में थोड़ी इचिंग हो रही है, तो फ्रेंड्स अभी मैं इसको ज़्यादा देर तक नहीं रख पाऊंगी, तो इसीलिए मैं इसको अभी कॉम करूंगी एंड उसके बाद में मैं इसको एक क्लेचर से बन के जैसा बना लूंगी। मैं अच्छी तरह से कॉम कर लूंगी। तो दोस्तों आप देख ही सकते हैं मेरा जो हेयर है वो पूरा का पूरा मस्टर्ड ऑयल से कैसे ये देखिए। तो फ्रेंड्स ये हैवी ऑयलिंग मस्टर्ड ऑयल की जो हैवी ऑयलिंग है ये करने से आपका बेनिफिट ये रहेगा वीक में एक बार कि आपके लिए आपके जो हेयर है वो बहुत ही जल्दी ग्रो करेंगे एंड बहुत ही ब्लैक रहेंगे आपके हेयर। तो अगर आप अपने हेयर को ब्लैक रखना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं पूरा का पूरा किस तरीके से ऑयल लगा हुआ है मेरे हेयर में। तो अभी मैं इसको अच्छी तरह से पैक कर लूँगी इस तरीके से। मैं इसको फोल्ड करके एक इस तरीके के क्लैचर से मैं इसको आज करूंगी फोल्ड।
तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने एक क्लेचर से एक बन के जैसा बना लिया है। तो फिर मैं फ्रेंड्स ज़्यादातर इसी तरीके से अप्लाई कर लेती हूँ अपने क्लेचर को इस तरीके से। तो फ्रेंड्स अभी मैं इसके साथ में 45 मिनट तक रहूँगी और उसके बाद में मैं इसको अच्छे से शैम्पू कर लूँगी। तो दोस्तों अगर आपको सरसों का तेल यानी कि मस्टर्ड ऑयल सूट होता है तो आप उसकी वीक में एक बार हैवी ऑयलिंग कर सकते हैं, जिससे कि आपका हेयर फॉल में बहुत ही इम्प्रूवमेंट होगा, आपका हेयर फॉल कम हो जाएगा एंड जो आपके जो हेयर की ग्रोथ है वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। लेकिन वीक में एक ही बार करना है आपको, इसको रेगुलर नहीं करना है। तो और फ्रेंड्स सरसों का तेल जिनको सूट करता है वही करें, जो भी ऑयल आपको सूट करता है आप उस ऑयल को यूज़ करिए। ऐसा नहीं कि आपको सरसों का तेल सूट नहीं करता है तो आप करिए, नहीं उसे वो मत करिएगा, नहीं तो आपको हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है। तो फ्रेंड्स ये था मेरा हैवी ऑयलिंग का मस्टर्ड ऑयल का हैवी ऑयलिंग वीडियो। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो और किसी ने मुझे रिक्वेस्ट किया था 200 ml, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मेरे जो हेयर है वो कितने ज़्यादा ड्रेन पूरे के पूरे गीले हो चुके हैं इस इतने से ऑयल में। आई थिंक ये 50 ml to 60 ml ऑयल होगा मेरे हेयर में। तो फ्रेंड्स मैं 200 ml नहीं कर पाऊंगी अभी, जब तक मेरे हेयर थोड़े लॉन्ग नहीं हो सकते। मस्टर्ड ऑयल के अलावा आप मुझे कोई और ऑयल सजेस्ट कर सकते हो, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल से मुझे प्रॉब्लम है, तो इसलिए मस्टर्ड ऑयल के अलावा आप कोई और ऑयल मुझे सजेस्ट कर सकते हो, मैं उसका वीडियो पक्का आपके लिए बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स आज का जो वीडियो है वो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।